भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए, ये दौर में जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। ये कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। उन्होंने बीजेपी पर पुलिस प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस के अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं जब वहां पहुंचा हूं पुलिस मुख्यालय पर, कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। अगर पुलिस मुख्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तर प्रदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी। पुलिस मुख्यालय पर कोई नहीं दिखाई दिया। जो जिम्मेदार अधिकारी थे एक भी नहीं था। वो लगता जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे सो के उठते हैं, वो अपने अधिकारियों के बारे में कहते थे। कोई जिम्मेदार अधिकारी हमें दिखाई नहीं दिया मुख्यालय पे, जिससे हम लोग अपनी शिकायत कर सकते थे या न्याय की बात करते। और जैसा मैंने पहले कहा, पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे काम कर रहा है। अब 3 घंटे अंदर से पुलिस से क्या बातचीत हुई आपकी, क्या आपने उन्होंने पुलिस मुख्यालय पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। JCPL जो पहुंचे थे उनसे बातचीत, पुलिस अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं था। हमारी जो मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौन कौन लोग हैं वो लोग? हमने तहरीर दी है। कौन कौन लोग हैं? नाम नहीं, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने तहरीर दी है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कितने लोग के खिलाफ तहरीर दी गई? देखिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। देखिए आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब को आपने देखा, उनके खिलाफ पूरा भारतीय जनता पार्टी लग करके उन्होंने झूठे मुकदमे लगा दिए। रमाकांत यादव विधायक पूर्व सांसद, उन पे मुकदमे कब के थे, उन्हें जेल भेज दिया। दीपक यादव, उन्हें जेल भेज दिया झूठे मुकदमे लगा करके। तो ये बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता, या आपने कानपुर की घटना देखी हो। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए, ये झूठों के साथ हैं, जो अन्याय करते उनके साथ हैं। सर भाजपा तो ये कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई है, उस पर अखिलेश यादव डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी, किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उन पर शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो, पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप। सर वो तो ये कह रहे हैं पिछले 2 महीने से आप, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो महिला, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको?
क्या आप मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से नहलाएंगे आप? क्या आप हमारे घर पे उन्होंने नहीं भेजा? क्या शब्द इस्तेमाल करती थी भारतीय जनता पार्टी? क्या आप ये नहीं जानते, इन बातों को नहीं जानते क्या? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, न मेरी कोई बात हुई। ये सब चाहे वो जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। हमें कोई मिलने नहीं दिया, कोई अलग समय बोला या कोई अलग? उन्होंने हमें किसी को मिलने नहीं दिया, हम जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं। अब क्या रणनीति रहेगी सर आगे की? रणनीति बनाएंगे, रणनीति बनेगी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। मैंने आपसे कहा, और ये इसलिए जेल मिलने आए कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जेल का दरवाजा दिखा दें, क्योंकि इसी दरवाजे से हम सबको जाना है। केशव मौर्य भी यही बात कहते हैं जो आप बात कह रहे हैं। ये कौन है? देखिए आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर मैं नाम पूछूंगा आपका, फिर आप नाम नहीं बताओगे मुझे। अच्छा, उनकी क्या हैसियत है मुख्यमंत्री जी के सामने, मुझे आप बताइए ना। वो आप इसलिए कहते हैं कि पिछड़े लड़ जाएं। अरे मैं नहीं समझता हूँ आपकी भाषा क्या। सवाल यह है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरकार उनका सहारा बनती है, और जब शब्दों में हार जाते हैं, लड़ाई जिस तरह की वो लड़ रहे थे, जब हार जाते हैं तो पुलिस आगे कर देते हैं। अरे कमजोर लोग हो तुम, पुलिस क्यों आगे करते हो? पुलिस को कम से कम अननेसेसरी दबाव मत बनाओ, पुलिस को भी अपना काम करने दो। अगर समाजवादी पार्टी के किसी हैंडल से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, और अगर आपने कार्रवाई की है, तो पुलिस को खुली छूट दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो आज क्या लगता है जो आश्वासन मिला है कि बाकी लोग? अरे तुम ही पूछते रहोगे, और कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा ही चैनल चलता है, अकेला के औरों का नहीं चलता। भाई ऐसा मत करो भाई, जानते तुम्हारे चैनल के लोग क्या भाषा इस्तेमाल करते, तुम भी जानते हो। सर, वो तो आप भी जानते हैं। मैं बिल्कुल जानता हूँ, इसीलिए पुलिस का सहारा लेता है वो भी। देखिए बीजेपी के लोग जब कमजोर पड़ जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो नहीं मुकाबला कर पाएंगे, नहीं सामना कर पाएंगे, तब ये पुलिस को आगे करते हैं। और पुलिस पे भी इतना अननेसेसरी दबाव है कि वो सही निर्णय और न्याय न दिला सके। सर आंदोलन होगा क्या आगे? आंदोलन होगा, आज तो देखा नहीं आपने कितने घबराए हुए थे लोग। अभी कोई आंदोलन नहीं था, हम तो केवल मुख्यालय देखने गए कि जो मुख्यालय समाजवादी सरकार ने बनाया, जिसमें पुलिस को इतनी अच्छी व्यवस्था दी बैठने के लिए, जिससे जनता को न्याय मिले, कहाँ जनता को न्याय मिल रहा है? आप बताइए, बलवंत सिंह है, बलवंत सिंह की पुलिस ने मार मार के जान ले ली। ये बीजेपी के लोग यही तो कहते थे कि समाजवादी सरकार में अगर कोई मरता है, यादव मरेगा, मुसलमान मरेगा, तो उसे मुआवजा ज्यादा देंगे। ये सरकार क्यों पीछे हट रही है? क्यों 1 करोड़ रुपए नहीं दे रही? बलवंत सिंह को, परिवार को क्यों 1 करोड़ रुपए नहीं दे रही ये सरकार? कन्नौज में अगर हत्या हुई है, एक साग परिवार है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे 50 लाख से? उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? जब इनकी सरकार नहीं थी तो आरोप क्या लगाते थे कि समाजवादी लोग भेदभाव करते हैं मदद में, सहयोग में। आज तो सरकार इनकी है, किस कानून, किस नियम ने आपको रोका है जो आप बलवंत सिंह की पत्नी को नौकरी सरकारी नहीं दे रहे हैं? किस कानून ने आपको रोका है? किस अधिकार से आप नहीं दे पा रहे हैं? अगर आप औरों को नौकरी दे सकते हो सरकारी, तो उसकी परिवार के सदस्य को क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं?